अब जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है, तथा यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों को बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर जा चुका है, तथा उसने यह भी बताया कि लंका के असुर राजा रावण ने सीता को अपहरण किया है और उसी दक्षिणी समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। दूसरी ओर जामवंत ने हनुमान के सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यही मेरा इंतजार करें, जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय उनकी राह में सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी से कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण न कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है, और ये कहकर वे उड़ते हुए आगे चले गए। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड्डा द्वार था और पूरा लंका सोने का बना हुआ था। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने जब हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने उसे एक जोर का घूंसा मारा और उसको बेहोशी छा गई। उसने डर के मारे हनुमान से हाथ जोड़े और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर और एक तुलसी का पौधा था। हनुमान जी यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। अब वह व्यक्ति अपने महल से बाहर निकला और जब उसने हनुमान को देखा तो वो बोला, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है, क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूं।